The reporter desires to know. एक ऐसा बम जो परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है, एक ऐसा बम जो अगर फटा तो फेफड़े फाड़ देगा। यूक्रेन ने रूस पर यह बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ये बम कितना खतरनाक है, कैसे काम करता है और ये बना कैसे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर। यूक्रेन ने रूस पर क्लस्टर और वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि खार्किव के सिटी सेंटर इलाके में उनके ऊपर मिसाइल दाग दी है। अब ये वैक्यूम बम कितना खतरनाक हो सकता है? अब तक के विकसित सबसे गैर परमाणु हथियारों में से शक्तिशाली हथियार है। जिनेवा सम्मेलनों ने इसे प्रतिबंध भी किया है। वैक्यूम ये उच्च शक्ति वाले विस्फोटक हथियार है जो वातावरण का इस्तेमाल करके अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। वैक्यूम बम फटने के बाद आसपास मौजूद लोगों के आंतरिक अंगों को फाड़ देता है। इसमें शहरों को मलबे में तब्दील करने की क्षमता होती है, यानी अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो इसके इस्तेमाल से भारी तबाही हो सकती है। अब वैक्यूम बम काम कैसे करता है? वैक्यूम बम ज्यादा मात्रा में तापमान पैदा करने के लिए आसपास के ऑक्सीजनों का इस्तेमाल करता है। ये पारंपरिक हथियारों की तुलना में काफी शक्तिशाली विस्फोट को अंजाम देता है। इसके धमाके से इतनी तीव्र लहर बनती है कि मानव शरीर तुरंत भाप में बदल जाता है। हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ता है, जिन्हें धातु या फिर ज्वलनशील धूल या केमिकल ड्रॉप में बहुत बारीक कण होते हैं। लेकिन अब ये विकसित कैसे हुआ? 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों देशों ने मिलकर इसे विकसित किया था। सितंबर 2007 में रूस ने विस्फोट किया था, जिसके बाद 39.9 टन के बराबर की ऊर्जा निकली थी। दोनों देशों ने ऐसे बमों के कई वर्जन विकसित किए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण दूसरे देशों को ये बेच नहीं सकते या फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक हुई तो नहीं है, लेकिन ये यूक्रेन की तरफ से सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि रूस ने उनके ऊपर ये बम दागा है या फिर रूस ने उनके ऊपर ये बम फोड़ा है। आगे भी ऐसे खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रिपोर्टर। द रिपोर्टर डिजायर्स टू नो।